नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। बोलो साईं साईं राम, बोलो जय जय शिरडी धाम। श्री साईं बाबा सांसारिकता से निर्लेप थे, उनका रहन सहन भी विचित्र था। वो फकीर के वेश में रहा करते थे, उनके शयन की विधि भी विलक्षण थी। बाबा के शयन के लिए नाना साहेब डेंगले ने एक हथेली जितनी चौड़ी लकड़ियों का चार हाथ लंबा एक तख्त बनवाया था, लेकिन बाबा इस तख्त को जमीन पर रखकर नहीं सोते बल्कि पुरानी चिंदियों के माध्यम से मस्जिद की बल्लियों पर उसे झूले की तरह टांग कर उस पर शयन किया करते। चिंदियां चूंकि पतली व कमजोर थी, उसके द्वारा तख्त को झूले की तरह बना देना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। वो यही सोचते थे ये चिंदियां बाबा का वजन कैसे सह पाएंगी, लेकिन शायद वो श्री साईं बाबा की लीला से परिचित नहीं थे। जब श्री साईं बाबा निर्बल चिंदियां से बंधे तख्त पर शयन करते तो लोग उन्हें शयन करते देख आश्चर्यचकित रह जाते। वो यही सोच सोच कर हैरान रहते कि बाबा कैसे तख्त पर चढ़ते हैं और कैसे नीचे उतरते होंगे। लेकिन श्री साईं की लीला साईं ही जाने। जब इस कौतूहल को देखने लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो एक दिन बाबा ने उस तख्त को तोड़कर बाहर फेंक दिया। श्री साईं बाबा को 8 सिद्धियां हासिल थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं किया। बोलो साई, साई राम, बोलो जे जे शिरडी धाम। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HD Smartcast।